नमस्कार, मैं स्वदीप हसन साहब और सभी को स्वागत है हमारी हिल स्लाइड में। और आज पहली बार अपकमिंग 2019 का जो इलेक्शन है उसके लिए हम टॉक शो शुरू कर रहे हैं। और टॉक शो में आज हमारे साथ बीच में रहेगा उमरांगसो का जो गर्म पानी का जो कैंडिडेट है, छः में से आज हमारे बीच में है तीन लोग, जहाँ NPP से नेशनल पीपल पार्टी। तो गर्म पानी को सबसे पहली बार एक लेडी निकल के आ रहा है, वो है रूमी जिदू। और साथ में रहेगा डोरमेन एंगी जो इंडिपेंडेंस खड़ा करेगा। और साथ में रहेगा हार्वेस्टिंग खतर जो हार्वेस्ट जो अखम गण परिषद से रहेगा। आज सबसे बड़ा सवाल यही है सबके, सब लोग भी शायद सुनने मांगता होगा, लेकिन आप इस बात में मैंने एक और तीन का नाम इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि तीन को भी हमने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की थी, जो बल्कि BJP से है डेनिस तेरोन, कांग्रेस से है जयसिंह डोरा, और साथ में एक इंडिपेंडेंट है लोंकी एंगी, उसको भी हमने कॉन्टेक्ट किया था, पर आने का बात था वो टाइम देरी होने के वजह से हमने ये प्रोग्राम शुरू करना पड़ा। खास खैर जो भी है, आज लोग शायद नेशनल पार्टी का जो कैंडिडेट दो है डेनिस और जयसिंह डोरा, जयसिंह का जो शायद दिल का बात हो शायद सब लोग भी सुनने मांगता होगा, लेकिन आप पर्सनैलिटी आप लोग को हम लोग सुनाने नहीं सकेगा क्योंकि वो लोग हमारे बीच में नहीं आया। सुबह में आने का बात था लेकिन वो आने का टाइम भी दिया गया था, उसके बाद भी आने नहीं सका। खैर जो भी है, तो पहले हम शुरू करते हैं कि डीमा हासाओ में इस बार बहुत सारा मोर देन 140 कैंडिडेट्स है। वो 140 कैंडिडेट में से आज हमारे बीच में है तीन लोग जो गर्म पानी से कॉन्टेस्ट करने वाले हैं। तो पहले सवाल जाते हैं कि आप तीनों से भी एक छोटा छोटा एक लाइन में सुनना चाहूँगा, विजन क्या रहेगा धर्मेंद्र 2000 जो इलेक्शन आने वाला है, जो आप लोगों ने एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपने एक कंटेस्ट कर रहे हैं, विजन क्या रहेगा आपका? देखिए, ये डीमा हासाओ जो डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत मैंने सुंदर डिस्ट्रिक्ट है, बहुत गिफ्टेड। हम लोग ये एक माइंस एंड मिनरल रिसोर्स भी हम लोग बहुत रिच है, एंड जब हम लोग टूरिज्म में भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ये एक बहुत सुंदर जगह है। उसके साथ साथ में यहाँ पर जो ये डिस्ट्रिक्ट हम लोग एथनिक मैंने डिफरेंट एथनिक कम्युनिटी है, ट्राइबल है, नॉन ट्राइबल ट्राइबल है, तो उस हिसाब से वही इनको से जहाँ में हम लोग पीस डेवलपमेंट एजुनिटी बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये मेरे इस इलेक्शन में मेन मेरा एजेंडा रहेगा पीस एंड डेवलपमेंट एंड यूनिटी। तब जब हम यूनिटी रहेगा सरकी रहेगा तब हम जब डेवलपमेंट रहेगा। ठीक है, मेरा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल विजन क्या रहेगा जो अभी जो आप मेरा विजन है मैं गर्म पानी कॉन्स्टिट्यूंसी इतना बड़ा सुंदर जगह है, टूरिज्म में भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन भी मतलब ये हम लोग का जो गर्म पानी कॉन्स्टिट्यूंसी है बहुत पीछे रह गया। तो इस बार मैं फर्स्ट लेडी कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रही हूँ। तो ठीक है, दादा आपसे आप क्या कहेंगे, आप रिविजन कह रहे हैं? मेरा तरफ से भी विचार करता हूँ कि हम लोग का डेवलपमेंट के लिए देखता हम लोग का जगह टूरिस्ट का बहुत सुंदर जगह है, डेवलप इतना नहीं हुआ अभी तक, कुछ साल से कोशिश किया है। ठीक इसे में फिर हम लोग का जो भी हम लोग का ट्राइब और हम लोग का सोसाइटी जितना भी इन जनरल हम लोग उमरांगसो में जितना भी हम लोग का सोसाइटी है वो डेवलप जितना होने चाहिए था इतना होने नहीं सका। तो ऐसे में फिर काउंसिल का मेंबर लोग बहुत साल से आके EM बन के वेरियस डिपार्टमेंट पोर्टफोलियोज लेके वो लोग डेवलपमेंट करने चाहता था और वो लोग करने नहीं पाया, करने नहीं सका, कोशिश किया होगा जरूर लेकिन वो लोग पूरा करने नहीं सका। ठीक है, लेकिन हम ठीक है आपके पास फिर आएंगे दो मिनट के अंदर कि इस बार देखा गया कि आपने BJP से भी टिकट मांगा था, राइट? तो उसके बाद में भी आपको BJP से एक नेशनल पार्टी होने का ना था, आप BJP में टिकट मांगा, उसके बाद BJP में टिकट नहीं मिलने के कारण आप इंडिपेंडेंट में खड़ा हुआ है। तो इस बार आपको पब्लिक क्यों वोट देगा? देखिए, पब्लिक
थोड़ा कॉन्सियस है, ये 17 ग्रह अपनी कॉन्सियसी। ये तो हिस्ट्री आप जो हम लोग का जो क्रोनोलॉजी जो आप देखिए, ये 17 गरम पानी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इलेक्टेड जाता है ओनली फॉर वन टाइम। अच्छा, वो मैंने रिपीट नहीं होता है। तो दैट चोज फॉर मैंने न्यू मैंने विजनरी लीडर, डायनेमिक लीडर तो ढूंढ रहा है। जो 17 गरम पानी कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक पूरा फुट कॉन्सियस है, इसलिए वो न्यू लीडर ही मैंने वो लोग मांगता है। तो मतलब वही हिसाब से जो जहाँ में जो लास्ट जो हमारा जो बैकग्राउंड है, हम लोग ऊपर में जो फेथ एंड कॉन्फिडेंस है, वो लोग विश्वास है, वही हिसाब से हमको जब वोट देगा जीतेगा तो वो एरिया के लिए जैसे भी काम करेगा, डेवलपमेंट काम करेगा, ये पूरा विश्वास है हमारे ऊपर। इसलिए इस बार जहाँ जो 17 कंपनी कॉन्स्टिट्यूंस के लोग विश्वास करके हमको जिताएगा, अपने पब्लिक भी विश्वास है, मैं भी विश्वास करूँ। तो मैं दीदी साहब जानते कि उमरावस में मेजर जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज क्या है आपके, डेवलपमेंट प्रॉब्लम? देखिए प्रॉब्लम तो बहुत सारा है, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो हम लोग का गर्म पानी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेडिकल प्रॉब्लम, रोड कम्युनिकेशन, हाफलोंग टू उमरांगशु बोलिए, उमरांगशु टू लंका बोलिए, उमरांगशु टू मेघालय बोलिए, कोई भी तरफ में रोड कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। मेडिकल में भी एक लेडी डॉक्टर भी नहीं है, गायनोकोलॉजी का भी कुछ फैसिलिटी नहीं है, और भी बहुत सारा है। दादा आपको अब एच बी को क्यों वोट दे? एच बी को इसलिए हम वोट देने चाहता है क्योंकि सिंस द टाइम ऑफ ASDC AGP के साथ में हम लोग एक साथ होके हम लोग का राजा सभा MP तक हम लोग का प्रबंध उड़ीसा को दिया था। प्लस जितना हम लोग का PHC डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा उस टाइम में था, प्लस एजुकेशन डिपार्टमेंट को जितना भी एम्प्लॉय उस टाइम में दिया है, प्लस हम लोग का मायबांग सिविल सब डिविज़न में भी उसी समय में मिला था, और हम लोग का कार्बिंगलोंग और एनसिल्स का हम लोग जो मांग था ऑटोनोमस स्टेट मूवमेंट का, उस टाइम में MOU भी हम लोग का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके दिया प्रफुल्ल कुमार महंत और पेटर सैकियाल आके किया। तो इसके माफिक और भी हम लोग का आशा है कि SB के साथ में हम लोग रीजनल पार्टी सब रीजनल पार्टी लोग अपना जगह के लिए ज़्यादा डेवलप काम करने सकता है। तो अब बता, अब देखिए तो अभी ये 5 साल में अब तो लास्ट टाइम इलेक्शन कर रहा उस वक्त, ये 5 साल में ये जो अभी जो गुजर गया 5 ईयर्स टाइम, कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला क्या? ये तो अभी अभी बोला कि कांग्रेस का भी 2 साल गवर्नमेंट था, अभी फिर RSR BJP का भी गवर्नमेंट है। नहीं देखिए तो हम बोलने का बात ही नहीं है, थोड़ा आंसर तो आप लोग हम लोग सब भी देखा है ये 5 साल में क्या हुआ पर्टिकुलर। ये 17 गरम पानी का ये पहले मेरे सिस्टर जो बोला है, आज आप लोग रूट कम्युनिकेशन से लेके मेडिकल से लेके एजुकेशन लेकर आज पूरा अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग का यूथ लोग हिसाब पड़ा है। इधर जो इंडस्ट्रियल टाउन है और ये तो बहुत कमर्शियल टाउन है, फिर भी जो ड्यू टू रॉन्ग पॉलिसी जो हम लोग का जो काउंसिल जो चलाया, हम लोग का जो गवर्नमेंट रॉन्ग पॉलिसी का कारण से आज हम लोग का जो ज़्यादा जो इंडिजिनियस उन लोग का कुछ मैंने अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। अब देखिए जहाँ में हम लोग जो प्रोजेक्ट है जहाँ में डाल में आज उसमें हम लोग जो जेन्यून जो न ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो कुछ लिटिस नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैंने इस इलेक्शन में एक चेंज मांग। ठीक है, और इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अगर आज में यहाँ का गर्म पानी का जो इलेक्टेड सिटिंग जो MSC है उस अगर डेनिस तेरन रोल होता तो शायद जरूर मैं वो सवाल करता रहा, क्योंकि उसको बहुत उसके ऊपर बहुत सवाल रह गया, क्योंकि आज वो रहता तो मैं जरूर यह सवाल कर सकता था क्योंकि ये 5 साल में आपने क्या किया, वो शायद वो भी जवाब देता रहा होगा। लेकिन बदनसीब का बना पड़ा कि मैंने काफ़ी सारा हम लोगों ने कॉन्टेक्ट करने का बावजूद वो नहीं आ पाया। खैर फिर से हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर से बात करेंगे कि गर्म पानी को कैसे लोग इन सोच रहे हैं और आने वाले इलेक्शन में किस तरह से होना चाहिए।
हाँ नमस्कार, फिर से अभी स्वागत है हमारी ब्रेक के बाद। फिर से अभी टॉक शो अभी भी जारी है और आज बात करेंगे गर्म पानी का जो डेवलपमेंट का इश्यूज़ के बारे में और आने वाले 5 साल में क्या हो सकता है और पहले 5 साल में क्या क्या हुआ। तो आप क्या कहेंगे? देखिए आज तो आप लोग सिर्फ तीन जन रिप्रेजेंट नजर टोटल कैंडिडेट छः था। हमने उसको कॉन्टेक्ट भी किया था, जो आज तो सिर्फ तीन आया। किस लिए वो लोग जो स्पेशली जो लोग नेशनल पार्टी है पूरा देश का मालिक है लोग। हाँ सर, लोग भारत सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने इंडिया सरकार लोग ही चला रहा है, फिर भी आज के दिन में लोग आसाम लोग का सामने में आने का हिम्मत नहीं। किस लिए? कांग्रेस मोर देन 60 ईयर से लोग जो रूल किया, बीजेपी भी मैंने अभी जो 5 साल तो वो लोग ही रूल किया, इवन अभी स्टेट गवर्नमेंट भी लोग है, अभी काउंसिल में लोग है, तो किस लिए आज आने का हिम्मत नहीं? किस लिए वो लोग कुछ काम नहीं किया? आज रास्ता से लेके जो पहले प्रॉब्लम बोल दिया हम लोग का जहाँ का जो प्रॉब्लम, तो इसलिए आज पब्लिक के सामने में मीडिया का सामने वो लोग फेस करने की हिम्मत नहीं। तो वो लोग मालूम है पूरा पब्लिक कॉन्फिडेंट उन लोग का पर में नहीं है, वो लोग मैंने पब्लिक के साथ वो लोग फेस करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए आज में भी हम लोग इस समय भी आने की हिम्मत नहीं है। तो दीदी आप बोले थे आपका इसमें चेंज क्या लेने मांगता है, मतलब अगर आप इलेक्टेड होते हैं तो बदलाव कैसा बोला, पहले स्टेप क्या करना चाहेंगे? तो पहले बदलाव तो रोड कम्युनिकेशन पर, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद में यूथ एम्प्लॉयमेंट और भी बहुत कुछ है। तो जितने के बाद अगर अगर आपको जिताया तो हम जरूर करेंगे। ठीक है दादा, आप कैसा देखा 5 साल में? बीजेपी में बीजेपी का 8.5 साल गवर्नमेंट था और 2 साल कांग्रेस का था। देखा है, पहला कांग्रेस रूलिंग किया था उसी टाइम में भी हम साथ दिया था कुछ डेवलपमेंट लेके आएगा बोल के, तो देखा है फिर ठीक नहीं लग रहा है। इससे ज़्यादा बीजेपी ठीक होगा बोल के बीजेपी में भी ज्वाइन किया था कुछ दिन के लिए, तो देखा है कांग्रेस से भी बीजेपी और ख़राब है ना कि ऐसा देखने मिला, तो इसलिए हम नेशनल पार्टी छोड़ के अभी रीजनल पार्टी में आए, AGP ज्वाइन किया। तो जीतने के बाद में वो लोग क्या काम करता है पहला में, और हम भी देखेगा एक बार वो लोग कैसे काम करता है, हम उनको उल्टा हम देखाएगा, हम उन लोग से ज़्यादा काम करेगा और एक तो विश्वास हमको पब्लिक लोग भी है, इसलिए पब्लिक लोग मेरा साथ है, तो हम जरूर कुछ करके दिखाएगा हम लोग गौरमपनी 17 गौरमपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। तो आप जनरल इस बार अभी आप जब कैंपेन में देखा तो इस बार क्या बोल के पब्लिक के पास वोट मांगेगा? और जैसे पहला बोला था ऐसा पब्लिक लोग हम बोलने का जरूरी नहीं है, लोग सब मालूम है कांग्रेस लोग क्या काम किया मोर देन 60 ईयर्स, फिर बीजेपी लोग भी बीच बीच में रूलिंग करके दिखाया, चेंजेस लेके आएगा बोलता, परिवर्तन लेके आएगा बोलता, अभी कुछ दिखाई नहीं देता, तो वही हिसाब से हम इतना बताने का जरूरी नहीं है लोग को, और हम सकने से हम लोग का जगह इतना वास्ट एरिया है, तो हम लोग खाली जगह इतना ज़्यादा है, तो सब जगह में कुछ कुछ इंस्टॉल करने सकता हम लोग, तब तो कुछ बदलाव लेके आने सकेगा। गर्म पानी को टूरिज्म पे एक बहुत बड़ा, हर साल भी कंफर्म फेस्टिवल होता है, करोड़ों पैसा खर्चा करके या फिर फेस्टिवल की टूरिज्म को प्रमोट करने के, क्या आपके हिसाब से टूरिज्म के हिसाब से अगर किस तरह से करने से अच्छा रहेगा और भी प्रमोट करने के टूरिज्म? देखिए टूरिज्म के लिए फर्स्ट हम लोग कम्युनिकेशन हम लोग ठीक करना होगा, तो अभी तो बहुत है नाम तो टूरिज्म तो प्रमोट करना है, क्या करना है ये सब मैंने जो क्या फेस्टिवल का नाम लगाता है क्या करो यू सिर्फ और फॉर अ नेम सेक, उन लोग अपना जो मैंने लोड करने के लिए ही लोड मैंने जो पान जो गवर्नमेंट का पान जो मैंने आने से रिस्पन करे यू करो, इसलिए विदाउट कम्युनिकेशन बोलो पहले रास्ता तो बनाओ, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ, जहाँ में जब प्लान बनाएगा बोला वो तो मैंने एयरपोर्ट बना कर उसका पहले उसके इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये सब मैंने डायलॉग मैंने युद्ध का डायलॉग है, फिर भी हम लोग सबको बर्बक बना रहे, तो इसलिए आज के दिन में भी जो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे मेन फर्स्ट नीड हम लोग पार्ट ऑफ गवर्नमेंट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना जरूरी है, जो बेसिक नेसेसिटी जो टूरिज्म को ये कम्युनिकेशन से लेके जहाँ का जो एटमोसफेयर जो लो एंड ऑर्डर सिटीजन को, इसलिए और हम लोग जहाँ का जो लोग को भी यही मेरा तरफ से अपील है, जो हम लोग जो दूसरा जगह ऐसा जो गोवा है नॉर्थ इंडिया है जो
वहाँ का जो लोग का जो मेंटेलिटी उन लोग का बिहेव वो हिसाब से हम लोग भी चेंज होना जरूरी है। फिर भी जहाँ का परिवर्तन जो बीजेपी गवर्नमेंट भी जो परिवर्तन उन लोग का स्लोगन जो दे रहा है उन लोग का परिवर्तन क्या है, अभी जो आप लोग सब भी मालूम अभी बीजेपी पार्टी से ऐसे जो दिलीप नोनीसा जैसा है वो पूरा होल्ड आउटर वो सेक्रीफाइस वाला जो पार्टी के लिए है उसको उसका जगह में वो भी टिकट नहीं मिला। ऐसा मैं फिगर कितना जो सीनियर जो बीजेपी लीडर है जो उन लोग पूरा डाई हार्ट बाय उन लोग जो बीजेपी पार्टी के लिए जो सेक्रीफाइस किया है उन लोग को बिट्रे किया है, तो जो अभी जो जो टिकट जो दे रहा है ये भी उन लोग का परिवर्तन टू सब पैसा से टिकट खरीद। ठीक है, आखिरी हम लोग प्रोग्राम खत्म करने से पहले तो आपकी तरफ से एक पब्लिक के लिए क्या मैसेज है, मैसेज क्या रहेगा ये आने वाला चुनाव में क्या मैसेज है? मेरे तरफ से पब्लिक के लिए यही अपील करती हूँ कि मुझे वोट कीजिए और मुझे जिताइए और मैं अपना ऑल कम्युनिटी के लिए डेवलपमेंट करूँगी। मेरे तरफ से मैसेज है पब्लिक लोग को कि हमको वोट दे के जीता है, जीतने के बाद में हम ऐसे चेंजेस लेके आएगा जैसे जो भी कैंडिडेट काउंसिल का मेंबर लोग पहले नहीं किया है ऐसे हम करके दिखाएगा। क्योंकि मेरा अपील तो ये है कि इस बार जो इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंस है और पर्टिकुलरली गरबनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लास्ट 5 years वी हैव डिप्राइव मैंने और एम्प्लॉयमेंट का क्रॉप में भी हम लोग देखे ना लास्ट 5 years में जो पर्टिकुलर जो ग्राम पानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भी मुझे जितना जो सर्विस जो कौंसिल जो अपॉइंटमेंट जो दिया है उमरों सौ 17 ग्राम पानी के लिए एक भी नहीं दिया है इन द लाइन ऑफ सेम एस ऑन डेवलपमेंट में दिया इसे हम लोग सब देखा है। तो इस बार फिर से देने से टिकट मिला है वो जहाँ लास्ट सेम होगा इसलिए वोटर जैसे भी हारेगा श्योर है। कांग्रेस का भी पहले देख लिया इसलिए अभी नेशनल पार्टी का प्रॉब्लम है मैंने जहाँ का लोग कॉन्फिडेंट नहीं है फिट नहीं है वो लोग इसलिए उठू मालूम है आज का कैंडिडेट लोग इसलिए आने की हिम्मत नहीं है, तो इसलिए इस बार मैंने एक चेंज लगता है तो यहाँ में जो डिटरमाइंड डायनेमिक लीडर लगता तो लोग सब मालूम है मैंने पर्टिकुलर हमको तो लोग मालूम जो हम गवर्नमेंट पार्ट में हम ओनली हाँ इलेक्शन हम लड़ा फिर इलेक्शन आएगा तो गवर्नमेंट पार्ट में पार्टिसिपेशन तो ओनली फॉर 6 months उन सौ टाउन कमेटी हम बैठा तो 6 months हम उन्नीस सौ टाउन कमेटी हम बैठने में हमारा परफॉर्मेंस हमारा काम सब पब्लिक लोग देखा है जो पहले हमारा दोस्त लोग भी बैठा वो लोग कोई 2 साल बैठा कोई 3 साल बैठा वो लोग कितना उन लोग का परफॉर्मेंस कैसा है हम 6 months में जो हम बैठा हमारा परफॉर्मेंस कैसा है सब पब्लिक को दिखाई दिया है तो इधर से उन लोग प्रूफ है मैंने पूरा पब्लिक हम लोग विश्वास है इसलिए हमको जिताने तो लोग ऐसे भी डेवलपमेंट काम करेगा जगह के लिए काम करेगा पूरा विश्वास है इसलिए फुल फिट है और हमारा हम भी पब्लिक ऑफ फिट है जैसे भी आपको लोग जीताएगा बोलते तो आपको लगता है कि एक सभी से तीनों से भी सवाल है कि इस बार काफ़ी लोगों ने सुना बात भी सुन रहे हैं कि ये जो पैसा से क्या वोटर लोगों का वोट खरीदने का चांसेस हो सकता है क्या? हर बार ऐसा हुआ है कि दिमा हाथों में शायद एक कल्चर हो रहा है कि क्या चलो हम लोग इस तरह चेंज करते हैं कि बिना पैसे से भी लोग अगर जीत सके। अभी जहाँ आज के दिन में आप भी सब भी मालूम है आज कितने लोगों पर हम लोग लीडर लोग मालूम नहीं है फिर गांव वाला लोग वोटर लोग सब मालूम हो जाता है हम लोग मालूम होने के पहले, तो इसलिए आज के दिन में जितने भी जो नेशनल पार्टी लोग जो पैसा से जो हम लोग को बुर्बक बनाएगा बल्कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ आज हम लोग का पब्लिक कॉन्शियस हो गया उसमें लाइन में वो लोग नहीं जाएगा वो लोग अपना अभी मैंने अपना जगह के लिए जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट के लिए जो सोच के लोग वोट देगा अच्छा के लिए देगा पीस जुबिटी एंड डेवलपमेंट के लिए वोट देगा जे पैसा का लाइन में जो हम लोग को पहले में तो हम लोग को जानवर के जैसे लोग मैंने बनाता रहा हम लोग को पैसा से खरीदता बेचता उसको लाइन में अभी हम लोग का पब्लिक लोग नहीं मानेगा उस लाइन में नहीं जाएगा। ठीक है, मैं भी अपील करता हूँ कि डिमा हासो का लोग इस बार जो इलेक्शन होगा तो उसमें सब लोग भी अपना वोट को कभी भी बिक्री ना करें कोई किसी के 500 रुपये से 1000 रुपये से 2000 रुपये से ताकि फ्यूचर में आने वाली फ्यूचर क्योंकि आने वाले पीढ़ियों के लिए जो इलेक्शन हो रहा है। तो आप सभी से भी मैं आप तीनों से भी एक अपील करता हूँ कि इस बार
शायद सभी जितना भी कैंडिडेट है उन सभी से भी अपील करता हूँ, लेकिन खास करके आप तीनों को अपील करते हैं कि इस बार पीसफुल एंड हेल्दी डिबेट होके इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो हिल साहब का व्यूवर्स ने तो उन लोगों का डील के बाद हम जानने की कोशिश करा, और आशा करता हूँ कि दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का भी लोग हमारी इस हिल साहब का जरिए से शायद इस शो के जरिए से अपना जो डील का बात है, अपना जो विजन है वो बता सके, और आने वाले दिन में वो लोग क्या करने वाला है, और हमने उन लोगों से जानने की कोशिश किया। लेकिन आज मैं बात यही बात बोलना पा रहा हूँ, चाहता हूँ कि डिमाहासाव के डिस्ट्रिक्ट में जहाँ गर्म पानी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे 6 कैंडिडेट है, तो 6 में से आज हमारी आपकी आपके लिए अब उनके लिए 3 लोगों का ही दिल का बात रखने सका। लेकिन आशा करता हूँ कि आने वाले दिन में वो 3 भी आप लोगों का सामने जरूर आके अपना दिल का बात बताएगा, और उन लोगों को एक्चुअली चाहता क्या है और क्या चेंज करने मांग रहा है, लेकिन शायद वो बात अधूरी रह जाएगा।